गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर 11 से इंट्रोडक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। 11 एक पॉइंट वन एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फैक्ट बता रही हूँ। ठीक है, इसमें लिखा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। इसे कहा है कि आपका एक रेक्टेंगल फील्ड है, ठीक है, रेक्टेंगल फील्ड है जिसकी लेंथ 500 मीटर और 300 मीटर उसकी ब्रेथ दे रखी है। ठीक है, आपका रेक्टेंगल है मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास आयतकार भूमिखंड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है और अब हमें उसका क्या है, फर्स्ट उसने पार्ट दे रखा है, उसका हमें एरिया निकालना है। एरिया मतलब हमारे पास क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर हमारे पास 500 लेंथ है, ब्रेथ हमारे पास है 300। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं 500 एंड 300 क्या आएगा, 15, 5 से 15, 40। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एरिया है। एरिया के लिए मैंने कहा था कि आपकी जो भी यूनिट है मीटर, मीटर का क्या है हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, वो सेकंड पार्ट बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ अ लैंड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, एक लैंड की जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर उसके हमारे पास 10,000। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर की 10,000 है तो 1,50,000 की कितनी होगी, ठीक है, कॉस्टिंग। तो आपको कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मूल्य निकालना है अगर हमारे पास। ठीक है, तो मूल्य निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इज इक्वल्स टू 10,000। ठीक है, 10,000 हमारे पास रुपीज है क्योंकि कॉस्टिंग है तो रुपीज में है। अगर हमारे पास 1 मीटर का हमें गिवन है तो 1,50,000 का हम निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड मतलब 1 मीटर स्क्वायर भूमि का हमारे पास क्या मूल्य है, 10,000। तो 1,50,000 का मूल्य कितना होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमारे पास 1,50,000 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 15 को इस 1 से मल्टीप्लाई करा, 50 काउंट करो जीरो क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब यहाँ पे काउंट करके 8 जीरो लगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, आपके आपकी इतनी कॉस्टिंग आ गई है आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर आपको लिखा हुआ है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर है जो हमारे पास वर्गाकार पार्क है जिसका हमें क्षेत्र सॉरी पैरामीटर मतलब जिसकी परिमाप हमें गिवन है। ठीक है, तो आपका स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जो पार्क है जिसका हमें परिमाप दे रखा है मतलब पैरामीटर गिवन है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पैरामीटर होता है हमारे पास साइड 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 और साइड, तो क्या लिखा था हमने 4 × साइड। ठीक है, पर हमें क्या है इसमें परिमाप तो दे रखा है, हमें इसमें परिमाप नहीं निकालना, साइड साइड को नहीं गिवन हमें, तो हमें निकालना क्या है, साइड निकालनी है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, तो परिमाप हमारे पास क्या है 320 मीटर इज इक्वल्स टू 4 × साइड। ठीक है, अब हम साइड निकालनी, तो 4 को हम नीचे निकाल सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है, तो हम कह सकते हैं साइड की से करना, साइड इज इक्वल्स टू 320/4। ठीक है, तो साइड हमारे पास क्या आ गई, 4, 8 × 32 जीरो एज इट इज, तो मीटर, अगर मीटर तो मीटर रहेगा क्योंकि साइड हमेशा क्या होती है सिंगल आती है, इसमें स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या निकालना था, एरिया निकालना था। ठीक है, अब एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया के लिए साइड इंटू साइड, इसलिए हम साइड निकाली थी,
पैरामीटर निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री, जिसमें क्या रखा है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जिसका एरिया हमें गिवन है, ये आपका रेक्टेंगल एरिया और ये एरिया हमें गिवन है, ठीक है। एरिया गिवन होने के साथ साथ हमें क्या गिवन है, आपके एक लेंथ गिवन है, लेंथ आपकी 22 है, ब्रेथ हमें गिवन नहीं है, और हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड में, ठीक है।
जीरो से जीरो क्रॉस हो गया, थ्री थ्री सा नाइन, थ्री टू सा सिक्स, थ्री वन सा थ्री, थ्री टू सा सिक्स और जीरो, थर्टी इंटू टू। बी हमारे पास क्या क्या बी थर्टी इंटू टू, तो ब्रेथ हमारे पास क्या आ गया 40 मीटर। हमें ब्रेथ निकालनी थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। इसमें बोल रहा है कि दो वायर के लेंथ पे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके एक वायर दे रखा है, उसके साथ है उस वायर से, एक वायर है, इस वायर से हमने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। यह आपका वायर यहाँ पे 40 लेंथ और 22 सेंटीमीटर से आपको एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ठीक है। फिर वापस इस वायर को आपने सीधा करा और उसको एक स्क्वायर शेप दिया है। इस स्क्वायर शेप की साइड क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर एक ही वायर है तो इसका मतलब है उसका पैरामीटर सेम है, क्योंकि सराउंडिंग्स तो वही है, उसी वायर से बनी है, क्योंकि एरिया हमारा डिफरेंट हो सकता है, पर हमारे पास जो सराउंडिंग है वो हमारे पास वायर की लेंथ वही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। मतलब परिमाप है हमारे पास इसका, आयत का परिमाप और हमारे पास वर्ग का। वर्ग का परिमाप हमारे पास सेम है, ठीक है। पैरामीटर क्या है इसमें, 2l + b। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 4 × साइड, ठीक है। अब हमारे पास 2 है, लेंथ हमारे पास कितनी है 40, 40 + 22, ठीक है। स्क्वायर से सीख दो, यहां पर देखो 2 क्या कितना आया हमारे पास 62, 4 × साइड। तो यहां पर साइड नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइड है। इस साइड को निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 4 को यहाँ डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे मल्टीप्लाई कर डिवाइड हो जाएगा, 2 × 62/4, ठीक है। 4 की टेबल से क्रॉस कर दो, 4 × 4, 2 रिमेनिंग, सॉरी इसको 2 × 1 = 2, 2 × 4, 2 × 1 = 2, 3 × 6, 2 × 1 = 2। तो हमारे पास साइड कितनी है, इनकी साइड की लेंथ कितनी है हमारे पास 31 सेंटीमीटर। अगर एक हमारे पास 31 सेंटीमीटर है तो साइज हमारे पास कितनी आ गई है हमारे पास 31, तो साइड हमारे पास कितनी आ गई 31 सेंटीमीटर आ गई। अब उसने कहा है कि दोनों का एरिया निकालना है, इस रेक्टेंगल का एरिया भी निकालना है और हमारे पास स्क्वायर का एरिया भी निकालना है, और हमें देखना है कि दोनों में से किसका एरिया आपको ज्यादा है, एंड फाइंड विच शेप
दीवार का एरिया किस तरह से निकाल
एल इंटू बी। लेंथ है हमारे पास 4.5 और हमारे पास ब्रेथ हमारे पास 3.6। यह है 4.5 मल्टीप्लाई 3.6। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 16.20। ठीक है, वॉल का निकल गया, डोर का निकल गया। अब इस वॉल के अंदर से अगर मैं डोर को निकालूं तो शेडेड पोर्शन रह जाएगा, तो मैं क्या करूं? एरिया ऑफ ओनली वॉल यहां पे विदाउट डोर, एरिया ऑफ वॉल विदाउट डोर विदाउट डोर, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ डोर में से एरिया ऑफ डोर माइनस एरिया, सॉरी एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। तो मैं बस इसमें क्या था, एरिया ऑफ वॉल कितना आया हमारे पास 16.2 माइनस 2 डोर का, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 14.2। अब ये एरिया है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हमेशा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारे पास व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट दे रखी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 रुपीज पर मीटर। अगर एक मीटर के लिए हमें 20 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं तो 14.2 मीटर के लिए कितना मीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग के लिए कितना है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 14.2। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो एज इट इज। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 2 8, 2। यहाँ एक के बाद पॉइंट लगाया, 3 का हमारे पास है 284 रुपीज के लिए हमारे पास सिर्फ डोर को और वॉश आपको नहीं करना है, आपके आपके दीवार पे पेंट करना है, दीवार पे आपको सफेदी करवानी है। इस सफेदी करवाने की आपको कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी, 284 रुपीज। ठीक है, इसी के साथ हमारी 11.1 एक्सरसाइज फिनिश हो गई। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। इसके साथ साथ आपको आपके होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया है वो करना है और आपको एग्जाम्पल्स भी करने हैं। ठीक है, थैंक यू।